이게 런니너스. 이게 런니너스. 에 좁가람. 스와가탐 यारो, फाइनली आई नो मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन फाइनली गिल्टी लॉन्गिनस कार्मा मेटल डिस्ट्रॉय 2 हमारे पास आ चुका है। एंड आई नो बहुत लेट हूँ, इसके साथ एल गियर मिलता है जो हमारे इस यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, फोकस कर रहे हो इस पे, ये इस चालाक, बहुत ही चालाक टकारा टॉमी की औलाद ने बहुत ही अच्छा खेल खेला है कि वी गियर एल गियर। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आई नो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सब। चाचा गलत हो रहा है, मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि फुल HD पे वीडियो है भाई, 4K पे थोड़ी ना रिकॉर्ड कर पाऊंगा, रेंडर ही नहीं कर सकते क्योंकि लंबी वीडियो होने वाली है। बी प्रिपेयर्ड। तो बस लेफ्ट स्पिन अटैक टाइप, लुई शिरोसागी का टप्पा है तो अच्छा ही होगा, जैसे साउथ का माल अच्छा होता है वैसे ही लुई शिरोसागी के हाथ में जो आ जाए वो अच्छा ही होता है। करेक्ट बोला रे, सिवाय ड्रम कोरियो के। तो बेसिकली अब हम बॉक्स खोल लेते हैं जो कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे हमें टीजर देखने को मिलता है, एक ऐसा टीजर जिसको कोई व्यूज नहीं मिलते। कहाँ मैं इसको KGF वाला रॉकी भाई समझ रहा हूँ और ये कहाँ। आज खुश तो बहुत होगे तुम जो आज ये टीजर है, और मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं बार बार ये टीजर और ये सब खोलने की कोशिश करता हूँ। अबे इन लोगों ने टीजर देना बंद कर दिया था क्या? स्टिकर शीट मिल जाती है जो कि मैं नहीं लगाने वाला हूँ अपने गिल्टी पे, बिकॉज यार एट दिस पॉइंट तुम सबको पता है यार कि गिल्टी पे स्टिकर्स लगा दो तो फिर वो कितनी बड़ी मैस क्रिएट करता है। कटघरे में अब हम खड़े हो ही चुके हैं। तो दोस्तों तो नूप कहते हैं यारो, मैं एक चीज भूल गया, ठीक है ना, मैं कैची लाया हूँ, मैं कैची, सॉरी हिचकी आ गई, मैं कैची लाता हूँ, मैं ला रहा हूँ कैची, आ चुकी है मेरे पास कैची। एक सडन सा कट देखने को मिला होगा और एक बहुत ही धमधम वाली आवाज सुनने को मिली होगी। जी हाँ, मेरे घर में दरवाजे हैं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा यारो। तो बेसिकली ये हमें देखने को मिलता है प्लास्टिक का है, और ये कार्डबोर्ड का डब्बा ये बहुत ही स्पेशल लोगों के लिए है दोस्तों। What did he say? यारो आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा अगर दिखाऊं तुम समझ सकते हो कि मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई कर करके मैं और मोटा हो गया हूँ। बहुत ही स्मूथ मस्त मस्त तेल मालिश करके आया ये, अपना मस्त तेल मालिश है, मेटल लॉक है, एंड बाय द वे ये नए मोल्ड वाला मेटल लॉक है। जिसको नहीं पता, टकारा ने अभी रिसेंटली गिल्टी के लिए ये जो लॉक्स हैं, अगर मैं इस पर फोकस कर पाऊँ तो ये लॉक्स को थोड़ा और रिड्यूस कर दिया है बेसिकली। तो अब ये गिल्टी जो है जितने भी नए लोगों ने ख़रीदा है जैसे कि मैं, हम लोग के गिल्टी अब बर्स्ट मोर ऑफन हुआ करेंगे, विच इज़ वेरी सैड क्योंकि गिल्टी ऑलरेडी यार हैंडल कर सकता था, इतने लोगों ने बताया कि इसका कोर हैंडल कर सकता है, अब आई डोंट नो व्हाई टकार टॉमी ये तुमने अच्छा नहीं किया टकार टॉमी। अरे भैया तुम्हें कब से क्या ये देखने को मिलता है हमें सबसे वाहियात गेयर इस पूरी सीरीज का, एल गेयर
एंड ये लगता है हमारे डायनामाइट भैया पे। ऐसे अंदर नहीं जाता क्या ये? वाओ भाई, मेरा बेलियन फिट नहीं होता क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। हो गया ये फाइनली फिट, तो थोड़ा सा उल्टा लग रहा था वो, पता नहीं क्यों इसमें भी सीधा उल्टा है। ये है हमारा एल गियर अधरंगा बेलियाल। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं कार्मा डिस्क पे। सो कार्मा डिस्क बहुत ही उच्च लेवल की डिस्क है, क्योंकि इससे वाहियात डिस्क आपको कहीं नहीं मिल सकती है। काफ़ी अच्छी वाहियात तरीके की डिस्क है, आपको 3 स्टार भी दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही वाहियात तरीके की डिस्क है गाइस। एंड ये आप ये छोटा सा 2 आर्मर देख रहे हैं, वो इसके साथ, वो इस भाई के साथ भी मिलता, बिकॉज भाई रॉक्स अब आते हैं हम लोग इस पूरे सदी के सबसे बड़े 8वें अजूबे पे गाइस। लिटरली अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, कहीं से नहीं गाइस, लेकिन दुनिया का 8वां अजूबा बेसिकली टकारा टॉमी जापान से आया हुआ है। ये अब आप देख सकते हो आप इसमें बहुत ही कितना नॉर्मल दिखता है बे। इसका कोर आपको थोड़ा सा नीला नीला सा दिखता है, साथ में थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा भी दिख रहा है होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये मेटल है, तुम लोग के पास अकल नहीं है एंड मेरे पास अकल नहीं है, सॉरी। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो उसके टीथ। तो बेसिकली मैंने ये भी सुना है कि इसके कोर पे भी काम किया है थोड़ा सा, आई होप ना ही किया हो, क्योंकि अगर उसको नर्फ कर दिया तो अब मैं क्या करूँगा। अब ये यहाँ पे मैं हाई मोड पे इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। हमारे यारू ये है हाई मोड इसका, जो कि सो फार इस पूरी बेबलेट की सदी का सबसे बहुत ही लाइक सर्वोच्च स्थान पर आता है। ये बिल्कुल मस्त सबसे ऊपर वाले स्थान पे आता है। लाइक लो मोड क्या ही है यार, ये तो हाई मोड पे ही अपन लोग जीत सकते हैं इतने आराम से। ये एक लाइक ये बेबलेट मारेगा भी नहीं और दूसरा बेबलेट बर्स्ट हो जाएगा, बिकॉज ये अपनी जो एयर फ्लो होता है गाइस, जो एयर आर्टिकुलेशन, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल सब एक साथ कर सकता है। ये काफी अमेजिंग चीज है। ये मजाक की बात साइड में अब रख देता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं क्लिक्स टेस्ट कर रहा हूँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि इस पर काम किया गया है, तो ये बहुत ही गंदे क्लिक्स हैं, सीरियसली बहुत गंदे क्लिक्स हैं, इतने वाहियात क्लिक्स, कसम से मुझे रोना आ रहा है, इतना पैसा खर्च करके मेरे को यही मिल रहा है। एक साइड टू साइड कंपैरिजन, लिटरली कोई भी चीज ये रेट से नहीं खरीदता है सिवाय एवरीथिंग। एक टेस्ट लॉन्च कर लिया जाए, मेरा ये हाथ टूटा है लेकिन मैं इसी से करेगा लॉन्च। 3, 2, 1 गो। डैम, लाइक वो रोर करता है यार, ये पूरा बे लिटरली रोर करता है। एंड मुझे ये भी एडवाइस दी गई है कि कृपया कर इसे तेज चलते हुए ना छुए, तो मैं बस वही प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ। तो लेट्स डू अ टेस्ट बैटल विद रेज लॉन्गिनस। अमीरी देख रहे हो भाई की, देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन बेबलेड है। इससे बेटर बेबलेड इस पूरी सदी में नहीं बना है सिवाय सारो को छोड़कर। ओके तो गिल्टी के साथ मैं एक टेस्ट बैटल और करना चाहूंगा अपने जेस्ट वाले भैया का। जेस्ट वाले भैया गिर गया। 3, 2, 1 goes to.
तो नुकसान देख लिया जाए दोस्तों, क्योंकि गिल्टी है तो ऑब्वियसली नुकसान। भाई यार मेरे को नहीं खेलना यार इसके साथ, ये क्या है यार, ये क्या है यार, ये पेंट उखड़ गया यार पूरा का खिली इसका यार, इसकी लेयर भी ऑक्सीडाइज हो रही है यार, इतने मन्नत उसे खरीदा था मैंने। और ये महाशय, ये देख सकते हो तुम सबके सब, इसकी इसके रौद्र रूप में जब ये आएगा तब तुम सबको पता है कि क्या होने वाला है आखिर में। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, आई एम गिल्टी टू बाय दिस बेब्लेड इज गिल्टी टू बी विथ मी। तो हम दोनों अपने लॉयर्स ढूंढ लेंगे, आप भी अपने लॉयर ढूंढ सकते हैं, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, फॉरवर्ड करके, सब कर दो, हो जाना चाहिए भाई, बस हो जाना चाहिए। इतना बड़ा रिस्क लिया है मैंने, इतना बड़ा एक इस काली काली शक्तियों आत्माओं से कैप्टिवेटेड वाले बेब्लेड को लेकर, ड्रैगन है गाइज, ये ड्रैगन क्रॉस ब्रीड। ओके ठीक है गाइस, यार दोस्तों सब एक समान होते हैं, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ बीते, बाय, सॉरी बाय। केजीएफ में करुणा को मारने के बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे? खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी, अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. आई नो बहुत छपरी पोस्ट क्रेडिट था, लेकिन इट वॉज अंडर द वर्क्स यार, पाँच मिनट नहीं 15-20 मिनट में बनाया है मैंने, इतना भी गंदा नहीं बना 15-20 मिनट में, खासकर मुझ जैसे नूब से तो डेफिनेटली। एक वीडियो आएगी इसके पहले, उस पर थोड़ी बहुत बात करनी है चैनल से रिलेटेड, बाय।